तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पेजेस जरूर देखे होंगे जैसे मोटिवेशन, फिटनेस, बिजनेस, एआई, रिलेशनशिप्स, मीम पेजेस और भी बहुत सारे। और ये सारे पेजेस मंथली लाखों रुपए जनरेट करते हैं अपने कुछ ऐसे पेजेस से, इनको हम बोलते हैं इंस्टाग्राम थीम पेजेस। और ये सारे फेसलेस अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पे तुमको अपना फेस दिखाने की भी जरूरत नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर मैं चार पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ थीम पेजेस के, जो कि नंबर वन पे आता है कि थीम पेज कैसे क्रिएट करना है, थीम पेज को कैसे ग्रो करना है, थर्ड नंबर पे आता है कंटेंट कैसे फाइंड करना, और लास्ट पॉइंट पे बताऊंगा कि तुम इससे पैसे कैसे कमा सकते हो। सबसे पहले तुमको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट बनाने से पहले तुमको अपना नीच डिसाइड करना पड़ेगा कि किस नीच में तुम्हारे जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिटेबल नीच यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो है फिटनेस, एआई, स्पोर्ट्स, बिजनेस और मीम पेजेस। ये सारे जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस है जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। अब तुम लोगों को प्रॉपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक यूजर नेम सोचना है, लेकिन यूजर नेम में याद रखना कि तुम्हारे अकाउंट पे जैसे भी तुम कोई रैंडम कोई दूसरा अकाउंट होता है तुम्हारा, उस पे तुम्हारे नाम के साथ में कुछ नंबर्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे तुमको नंबर शो नहीं करने है। यहाँ पे तुमको विदाउट नंबर ही अपना यूजर नेम यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे तुम सर्च करते हो इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन, तो देख सकते हो बहुत सारे पेजेस आते हैं। या फिर तुम सर्च करते हो बिजनेस, तो बिजनेस के नीचे भी बहुत सारे पेजेस आते हैं। जैसे यहाँ पे एक अकाउंट आ रहा होगा मनी आइडियाज करके, जिसके 1.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से तुम मनी और कुछ एक अलग से वर्ड ज्वाइन करके तुम अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। यूजर नेम फाइंड करने के बाद में तुमको सीधा आ जाना बायो के अंदर। अब बायो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इन तीन पेजेस के अंदर। तो सबसे पहले तुम्हारे को करना है, तुम्हारे अकाउंट पे जो भी तुम्हारी नीच है उससे रिलेटेड तुम्हारे को यहाँ पे तीन टॉपिक्स को यहाँ पे तुमको ऊपर ऊपर हाईलाइट करके रखना। जैसे तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन, फिटनेस, जो भी तुम्हारा है, तो वहाँ पे तीन टॉपिक तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तुम्हारा बिजनेस का यहाँ पे पेज है, तो वहाँ पे तुम बिजनेस, मोटिवेशन या फाइनेंस, इस तरीके से तीन टॉपिक्स लिख सकते हो। इस तरीके से क्या होगा, जो भी लोग तुम्हारे अकाउंट को सर्च करेंगे, कोई भी वो कीवर्ड्स को सर्च करेंगे अपने अकाउंट पे, सर्च करेंगे लाइक बिजनेस सर्च करेंगे, तो तुम्हारा अकाउंट ऊपर शो होगा, वहां से वो तुमको फॉलो भी करेंगे और तुम्हारे पेज पे विजिट भी करेंगे। अब इसके बाद में तुम एक दो लाइन के अंदर अपने बारे में, अपने अकाउंट के बारे में लिख सकते हो, ऑडियंस को क्या प्रोवाइड करने वाले हो, इस तरीके से तुम लिख कर, और नीचे तुम्हारे को यहाँ पे जो है अपना मेल आईडी जरूर से मेंशन कर देना। और साथ में अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट है, तो अगर मान लो तुम्हारा अकाउंट जो है अगर कोई फोटोग्राफी वाले कंटेंट के अंदर है और तुम कोई ऑडियंस को कोई कोर्स या कुछ और बेचना चाहते हो, उसका लिंक तुम नीचे लगा सकते हो। इसके थ्रू तुम्हारी अर्निंग भी होती है, जो कि मैं आगे पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अब इसके बाद में तुमको अपना लोगो बनाना है, और लोगो बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे अकाउंट का एक पूरा थीम होना चाहिए कि तुम अपने अकाउंट पर किस तरीके से काम कर रहे हो। तुम्हारा अगर तुम्हारा कोई पोस्ट करने का तुम्हारा फॉर्मेट भी है ना, तो तुम्हारे उसी कलर को चूज करना पड़ेगा जिस कलर का तुम्हारा लोगो है। इससे तुम्हारा अकाउंट एक प्रॉपर अकाउंट लगेगा, प्रॉपर थीम पेज लगेगा। तो लोगो कैसे बनाना है, तुम कैनवा पे आ जाना, canva.com का तुम एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे ऊपर सिंपली लोगो सर्च करना, और तुमको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जिनको तुम खुद कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी चैनल का नाम है, तुम्हारे जो भी अकाउंट का नाम है, वही तुम यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह यूज करके उसको बड़ा छोटा करके जैसे भी है, थोड़ा बाकी अकाउंट्स को देखो और अपने आप से तुम एक लोगो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से सिंपली सेव कर लेना, और उसको तुम अपने इंस्टाग्राम पेज पे इजी एडिट प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे तुम इसको सिंपली लगा सकते हो। अब इसके बाद में तुमको हाईलाइट्स भी यहीं से बनाने हैं, ठीक है। तो हाईलाइट्स भी ऊपर तुम सर्च करोगे इंस्टाग्राम हाईलाइट्स कवर, तो बहुत सारे तुम्हारे यहाँ पे कवर के सेट मिल जाएंगे। तो अपने अकाउंट से रिलेटेड देख लेना कलर पैलेट कौन सा मैच हो रहा है वही, और उसी को तुम अगर हाईलाइट यहाँ पे डाल रहे हो तो उस पे जाके यहाँ पे एडिट कवर लगा देना। इससे तुम्हारा अकाउंट और ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। अब इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर टू, जो कि है अकाउंट ग्रो कैसे करना। तो अकाउंट ग्रो करने के लिए, यानी कि तुमको फॉलोवर्स इंक्रीज करने के लिए, अपनाना पड़ेगा फॉलो अनफॉलो मेथड। अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये ट्रिक वर्क नहीं करती, लेकिन ये ट्रिक वर्क करती है अगर तुम सही तरीके से करते हो। तो अगर तुम एक साथ में अगर 100-200 लोगों को फॉलो अनफॉलो करोगे, तो इंस्टाग्राम तुम्हारे को वहीं रोक देगा और तुम्हारे पास कुछ ऐसा पॉपअप करके शो हो जाएगा, तो जिससे तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सही तरीका क्या है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुमको अपने नीच से रिलेटेड जो भी अकाउंट से कम से 10 से 12 अकाउंट्स को फॉलो करके रख लेना, और उनके अकाउंट पे जाके एंगेज करना है, उनके अकाउंट पे ध्यान रखना है कि वो किस टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं। जब भी कोई अकाउंट तुम्हारे से रिलेटेड जो भी अकाउंट है जिनको तुमने फॉलो कर रखा है, वो जैसे अपना कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे तुमको क्या करना है, सिंपली रिसेंट जो भी पोस्ट है, मान लो कि अगर 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जो भी उनके अकाउंट पे हुए, उनके लाइक सेक्शन पे जाओगे, जितने भी लाइक आ रहे हैं वो सारे लोग जो है वो एक्टिव ऑडियंस है, ठीक है, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद में तुमको यहाँ पे सभी को फॉलो नहीं करना है, मैं तुमको बता दूं। तो यहाँ पे जितने भी लोग तुम यहाँ पे लाइक कर रखे, ये सारी एक्टिव ऑडियंस है, लेकिन तुमको फॉलो उन्हीं को करना है जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो जो कि प्राइवेट अकाउंट है। तुमको एक एक अकाउंट खोल के देखना है, साथ में जो उनकी स्टोरी लगी हुई यहाँ पे तुम देख सकते हो सर्कल सा बना होगा, जो लोग भी यहाँ पे स्टोरी डाल रखे, यानी कि वो सारे एक्टिव ऑडियंस है यहाँ पे, वो अपनी स्टोरी पे भी अपडेट है, तो उनको फॉलो कर सकते हो। साथ में जो प्राइवेट अकाउंट है उनको तुम फॉलो करना, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट वालों के पास सीधा रिक्वेस्ट आती है तुम्हारी। लेकिन पब्लिक अकाउंट वाले होते हैं वो अपने अकाउंट यहाँ पे चेक नहीं करते। अभी मान लो कि मेरे भी बहुत सारे फॉलोवर, तो मैं डेली यहाँ पे 100 100 100 आता है फॉलोवर, कमेंट, सब कुछ।
हम सबको चेक नहीं करते, तो इसी चक्कर में तुमको प्राइवेट अकाउंट वालों को ही फॉलो करना है, और जो स्टोरी लगा रखी जिन्होंने उन्हीं को तुमको यहाँ पे फॉलो करना। कितने लोगों को फॉलो करें जिससे हमारे को कोई दिक्कत ना हो, तो तुम्हारे को क्या करना है भाई, 10 से 15 लोगों को ही फॉलो करना है, थोड़ी देर का गैप देना, उसके बाद उनको वापस अनफॉलो करना, फिर फॉलो करोगे, फिर थोड़ा अनफॉलो करोगे, मतलब एक दिन के अंदर तुम मैक्सिमम मान लो कि 60-70 या तुम 100 लोगों को या लास्ट तुम्हारे को 100 लोगों को तुम यहाँ पे फॉलो अनफॉलो कर सकते हो, जिससे तुम्हारे यानी डेली के काफी अच्छे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से सारे जो भी अकाउंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग के अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बहुत रेयर चांस ऐसे होते हैं कि तुम्हारे कोई वीडियो अपलोड करा फर्स्ट और वो वायरल हो गया और उससे कुछ फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए, ऐसा बहुत रेयर चांस के अंदर होता है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारे कुछ फॉलोअर्स अपने अकाउंट पे लाने के लिए ये मेथड जरूर अपनाना पड़ता है। अब ऐसा तुम डेली करते रहोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारे बहुत अच्छे फॉलोअर्स यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद तुम कंटेंट डालोगे तो वो ऑडियंस तुम्हारे उस पर इंगेज भी करेगी और तुम्हारे और ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगा, तुम्हारी रील कुछ वायरल हो जाएगी, तुम्हारी पोस्ट भी वायरल होती है, वहां से बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे और तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्टेंट कैसे फाइंड करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंटेंट लेने का फंडा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, और सबसे अच्छा पॉइंट मेरे को इनके अंदर यही लगता है इन पेजेस के अंदर, जो कि तुमको कंटेंट यहाँ पे खुद से क्रिएट नहीं करना है, तुम्हारे को बाकी का अकाउंट उठा के अपने अकाउंट्स पे यहाँ पे पोस्ट करना होता है। तो अब करना कैसे है, सिंपली अपने जो भी तुमने अकाउंट को फॉलो कर रखा है यहाँ पे, अपनी जो भी कैटेगरी के जो तुम्हारे अकाउंट्स है उनको तुमने फॉलो कर रखा है, जैसे उनकी पोस्ट पे तुम उनके अकाउंट पे जाओगे, जिन पे भी तुम्हारे ज्यादा व्यूज दिख रहे हैं, रील्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी रील्स जिन पे ज्यादा व्यूज है या फिर तुमको जो अच्छी लग रही है, तुमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंगेज हो सकती है, उसको सिंपली तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उनको शेयर पे क्लिक करो, यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो उनका वाटरमार्क आएगा, यहाँ से डाउनलोड मत करना, सिंपली उसका लिंक कॉपी कर लेना और तुम इस वाली वेबसाइट पे आ जाना, यहाँ पे अपनी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे सिंपली तुम्हारी वीडियो जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी, जिसको तुम इजीली यूज कर सकते हो अपने अकाउंट के लिए, क्योंकि फास्ट ग्रो करना है तो रील्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा पोस्ट करनी पड़ेगी अपने अकाउंट पे। और साथ में पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट तुम यहाँ पे तुम जैसे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आ रही है, तो इस तरीके की पोस्ट तुम कैनवास से इजीली क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत आसान हो। और यहाँ पर तुमको कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे अकाउंट्स है जिनका तुम कंटेंट रीपोस्ट कर सकते हो। साथ में क्या होता है, जब भी तुम्हारा अकाउंट, जब भी तुम्हारी कोई पुरानी पोस्ट है जो कि अच्छा इंगेज कर रही है, या फिर जो तुम्हारी पुरानी पोस्ट है उनको तुम दोबारा से कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि थीम पेज में ये होता है कि तुम्हारा कंटेंट जो भी पहले तुमने पोस्ट किया अपने अकाउंट पे वो तुम वापस से रीपोस्ट कर सकते हो, यानी कि सर्कल चलता रहता है और तुम्हारे फॉलोअर्स यहाँ पे इंक्रीज होते रहते हैं विदाउट किसी की कंटेंट को तैयार किए हुए। अब कंटेंट कितना अपलोड करना है, क्योंकि कंटेंट तुम्हारे पास भर के हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास पोस्ट की कमी कभी नहीं आएगी, रील्स की कमी कभी नहीं आएगी। अब कितना कंटेंट अपलोड करना है डेली का, तो मैं तुमको बता दूं, या तुम अपने अकाउंट पे अगर पोस्ट डाल सकते हो तो तुम एक पोस्ट डालो, ठीक है, और साथ में तुम दो रील्स डेली के अपलोड करो, क्योंकि रील्स तुम्हारे पास बहुत सारी है, डेली की दो रील्स अपलोड करोगे तो तुम्हारे पास तुम देखोगे और मिनिमम तुम्हारे को जो है यहाँ 30-40 रील डालनी है, उसी के बाद में तुम्हारे को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर साथ में अगर स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारी कोई रील वायरल हो जाती है तो वो तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ता रहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के नए अकाउंट वायरल होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका न्यू अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, ठीक है। 30-40 रील्स तुम्हारे को अपलोड करनी है, उसी के बाद तुम्हारी कुछ वीडियोस पे अच्छे व्यूज आ जाएंगे और वहां से तुम्हारे फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे और तुम्हारे फॉलोअर्स का नंबर यहाँ पे बढ़ता रहेगा और इसी तरीके से अकाउंट ग्रो होता है। अब तुम कंटेंट यहाँ पे तुम डालना स्टार्ट कर दोगे अपने अकाउंट पे, तो तुम्हारे अकाउंट के अंदर तुम्हारे जैसे मैसेज आते हैं यहाँ पे, वहाँ पे तुम्हारे पास डीएम्स आने लग जाएंगे, तुम्हारी जो कैटेगरी के जो भी अकाउंट्स है उनके मैसेज आने लग जाएंगे या फिर किसी अदर बंदों के भी आएंगे, जिनमें से बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे आएंगे जो कि तुम्हारे को बोलेंगे SFS करने के लिए। लेकिन SFS क्या होता है, ऐसा होता है शाउट आउट फॉर शाउट आउट, ठीक है, तो वो तुम्हारे को अपना अपनी अकाउंट पे शाउट आउट देंगे और तुम अपने अकाउंट पे उनको शाउट आउट दोगे, तो इससे क्या होगा तुम्हारी दोनों की ऑडियंस मिक्स हो जाएगी। साथ में तुम एक ऑप्शन अपना सकते हो जो कि है कोलैबोरेशन पोस्ट, ठीक है, तुम कोलैब करके अपनी मिक्स ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो, उसकी ऑडियंस तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हारी ऑडियंस उनके पास चल जाएगी, तो इससे तुम दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे फॉलोअर्स के, तुम्हारे अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पैसे कैसे कमा सकते हैं इन थीम पेजेस से। तो थीम पेज से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आधा डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हो। मान लो कि तुम्हारा कोई फिटनेस का चैनल है, तो फिटनेस का तुम्हारा अकाउंट है, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे तुम जो है कंसल्ट कॉल कर सकते हो, जिसका तुम चार्ज कर सकते हो, ठीक है, तुम यहाँ पे पर्सनल ट्रेन कर सकते हो उनको कॉल के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू कैसे भी। साथ में तुम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल कर सकते हो, जो कि तुम खुद का पर्सनल ब्रांड भी यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो, साथ में तुम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो किसी और ब्रांड के, यहाँ पे तुम जैसे अमेज़न वगैरह हो गया, वहां से तुम लिंक जनरेट करके अपने यहाँ पे डालते हो, तो वहां से तुम्हारी ऑडियंस जो फिटनेस की है वो यहाँ पे उसको परचेज करेगी और तुम्हारी अर्निंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर मान लो तुम्हारा फिटनेस का चैनल है, फिटनेस का तुम्हारा पेज है, तो तुम यहाँ पे ई बुक सेल कर सकते हो। मान लो कि कोई एक ई बुक है जिसका प्राइस तुमने बहुत कम रखा है, मान लो 100-150 रुपए या 200 रुपए, जितना भी है जितना भी तुम अपने हिसाब से देख लेना, तुम वहाँ पे डालते हो तो वहाँ पे तुम पूरा गाइड कर रहे हो, मतलब बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी मतलब गाइड्स होते हैं, मतलब जिम के रिलेटेड जो भी फिटनेस से रिलेटेड होते हैं वो सारा तुमने यहाँ पे ट्रेंड कर रखा है, पूरा ई बुक में दे रखा है, तो लोग उसको परचेस कर लेंगे। अब इसके बाद में एक एग्जांपल मैं तुमको और देता हूं,
अगर मान लो मेरा फोटोग्राफी का यहाँ पे चैनल है तो यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं एडिटिंग का मेरा कोर्स लॉन्च करके मैं उसको सेल कर सकता हूँ, साथ में मैं भी एक ई बुक सेल कर सकता हूँ, या फिर मैं एडिटिंग के जो प्रीसेट्स आते हैं जिनसे एडिटिंग होती है मैं वो भी यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। सीधा वेबसाइट का लिंक देना है, तुम्हारा अकाउंट ग्रो होगा तो ऑटोमेटिक प्रोफाइल विजिट बढ़ेंगे, ईमेल टैब्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक वो लोग जो यहाँ पे परचेज करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में लास्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है स्पॉन्सरशिप्स। अब स्पॉन्सरशिप से हर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मेल्स आते हैं ब्रांड के, जो भी तुम्हारी कैटेगरी से मैच कर रहे होंगे उनके तुम्हारे पास मेल्स आएंगे, वो तुम्हारे से डीएम्स भी कर सकते हैं, वहाँ पे तुमको बात करनी है और तुम वहाँ पे अपना चार्ज बता सकते हो प्रमोशन का। लाइक काफी तुमने रील्स में देखा होगा जो कि लोगों प्रमोशन करते हैं, और काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पोस्ट पे भी करते हैं और अपने रील्स पे भी करते हैं, तो उन प्रमोशंस का ब्रांड तुम्हारे को पे करता है जिसके थ्रू तुम्हारी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। और स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने ईमेल डालने के लिए इसलिए बोला था बायो के अंदर, क्योंकि ईमेल के थ्रू डायरेक्ट ब्रांड तुम्हारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तुम्हारे मेल के थ्रू, तो इसलिए ईमेल जरूर डाल के रखना अपने बायो के अंदर, जिससे तुम ब्रांड तुम्हारे पास डायरेक्ट बात कर सकती है और तुम्हारी डील फिक्स कर सकती है। प्रमोशंस के अंदर भी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तुमको खुद से कंटेंट क्रिएट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा फेस यहाँ पे नहीं दिखाना है। जैसे लोगो प्रमोशन का मैं बता दूं, तुम्हारे को करना जो भी रील तुम अपलोड कर रहे हो सिंपली उनका एक लोगो आएगा और व्यूज के हिसाब से तुम्हारे को पैसे मिलते हैं यहाँ पे, तो ऊपर तुम्हारे को अपना लोगो लगा देना है, उन ब्रांड का लोगो लगा देना है, जिसके थ्रू जितने भी व्यूज आएंगे उसके हिसाब से तुम्हारी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके साथ में तुम स्टोरी प्रमोशन कर सकते हो, तुम्हारे डीएम्स जो भी तुम्हारे डीएम्स आते हैं उनके अंदर भी तुम्हारे को मैसेज आएंगे कि भैया हमारी स्टोरी डाल दो, या फिर ऐसे करके तुम्हारे पास और भी ब्रांड्स के आएंगे, या फिर कोई तुम्हारी कैटेगरी से रिलेटेड बंदों के आएंगे जो भी है, उनको तुम एक सर्टन अमाउंट पे करवा सकते हो अपनी स्टोरी के लिए, मतलब तुम स्टोरी डाल रहे हो बदले में वो तुम्हारे को पे करेंगे। जैसे कि एक मीम पेज को मैं बहुत टाइम पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो अकाउंट है ये भाई आए दिन प्रमोशन करता था, क्योंकि प्रमोशंस बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे थीम पेजेस या फिर मीम पेज हो गए इन पे प्रमोशंस बहुत ज्यादा आते हैं, ये आए दिन अपनी स्टोरी वगैरह पे डालते रहते हैं, या फिर तुम उनके बायो में भी देख लोगे लिंक लगा के रखते हैं नीचे, ये बड़ी बड़ी रील्स जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी लिंक लगा के रखते हैं, और साथ में ये रील्स के साथ में यहाँ पोस्ट प्रमोशन भी करता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पोस्ट में यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं, यानी कि इनका तरीका वही होता है मीम्स वाला यानी हंसाने वाला, लेकिन ये जो टारगेट करते हैं सीधा उनको प्रमोशन करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से प्रमोट करते हैं जिससे ब्रांड इनको बहुत अच्छा अमाउंट पे करता है। तो आई होप तुम्हारे को थीम पेज से रिलेटेड सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गएंगे, अकाउंट कैसे बनाना है, ग्रो कैसे करना है, कंटेंट कहाँ से फाइंड करना है, साथ में अर्निंग कैसे करनी है, सारा सोर्स मैंने बता दिया इसी वीडियो के अंदर। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता तो नीचे तुम कमेंट कर सकते हो। मैं चलता हूँ, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।